आपने आइसक्रीम तो बहुत तरीके की खाई होगी, बट जिंदगी में कभी आपने ऐसा नहीं सोचा होगा कि मिर्ची की भी आइसक्रीम बन सकती है। यार तुम सही में यहाँ पे मिर्ची की आइसक्रीम बेचते हो? क्या नाम रख दिया इसका? झन्नाट मिर्ची। झन्नाट मिर्ची आइसक्रीम लोग लेते हैं? अरे शौक से खाते हैं। शौक से? क्या बात कर रहे हो, ऊपर से क्या डाल रहे हो? मिर्ची चाट मसाला और ऊपर से फिर इसकी आइसक्रीम बनाओगे? यार इंदौर में कुछ भी हो सकता है। ये क्रीम मिल्क। क्रीम मिल्क? अच्छा मेन आइसक्रीम इसी से बनती है। ये देख लो जी, दो पूरी की पूरी हरी मिर्ची डाली है इसमें, ऊपर से फिर चाट मसाला डाला है। बारीक बारीक पीस करेंगे। अगर अभी यहाँ से वीडियो देखना शुरू करेगा तो उसको देख लो जी, एकदम बारीक बारीक कटे हुए मिर्ची के पीसेस दिखेंगे आपको यहाँ पे। यहाँ पे इनके रोल्स बनना रेडी है। जितनी देर में ये मिर्ची रोल की आइसक्रीम बनी, पहले यहाँ पे एक बंदा भी नहीं खड़ा था। ये मिर्ची रोल देखने के लिए आप देख लो कितने ज्यादा लोग यहाँ पे लाइन से आके खड़े हो गए हैं। ऊपर से कैरेमल चाट मसाला, ऊपर से फिर से चाट मसाला। तो ऊपर से भी इसमें मिर्ची नाम है इसका, झन्नाट मिर्ची आइसक्रीम। प्राइस है इसका 99 रुपीज। जगह का नाम है जी सराफा बाजार इंदौर। ये जी यहाँ की झन्नाट मिर्ची आइसक्रीम।